हे गाइस, एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव तो ये है एपिसोड टू मास्टर एबल्टन लाइव इन थर्टी डेज का जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं सेशन व्यू अरेंजमेंट व्यू में क्या डिफरेंस है प्लस चेकआउट करेंगे कि हमें क्या साउंड सैम्पल्स देता है क्या इंस्ट्रूमेंट देता है क्या प्लगिन देता है सो लेट्स बिगिन तो सबसे पहले मैं एवल्टन लाइव को लॉन्च कर दूंगा ऑल राइट तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो मेन विंडो है स्टॉक विंडो खुल चुकी है जैसे हमने लॉन्च किया है तो यहाँ पे नीचे लेफ्ट एंड साइड पे आपको दिख रहा होगा एक बहुत ही बढ़िया सी स्पेस है बेसिकली ये हमारा इन्फॉर्मेशन व्यू है, है जैसे की आप लोग नीचे देख सकते हैं आप जिस भी चीज पे अपना एरो रखेंगे ये आपको डिस्क्राइब करके बता देगा की वो क्या चीज है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये ट्रैक पे गए तो दिस इज क्लिप या फिर डिवाइस ड्रॉप एरिया उसके बारे में लिख दिया है नीचे एट द सेम टाइम अगर हम लोग राइट एंड साइड किसी भी एक बटन पे जाते हैं तो इसने

वगैरह में काम आता है एंड ऊपर वाला जो बटन है जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये वाली जानी पहचानी से आप लोगों को विंडो लग रही होगी ये बेसिकली हमारा अरेंजमेंट व्यू है जहाँ पे हम अपना मैक्सिमम काम करते हैं और ये आप देख सकते हैं इन्होंने पहले से ही दो मिडी और दो ऑडियो ट्रैक्स बना के रखे हुए तो अभी हम इन्हीं को यूज करके देखेंगे देखेंगे इनका क्या एप्लीकेशन है कैसे इनमें इंस्ट्रूमेंट लोड करते हैं कैसे उनको हम प्ले कर सकते हैं तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने ब्राउजर में ये जो लेफ्ट एंड साइड पे एरो है ये हमारा जो ब्राउजर है उसको क्लोज या ओपन करने के काम आता है और इसी ब्राउजर में एक्चुअल आपका खजाना है तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द साउंड्स तो जैसे हम साउंड्स पे गए आपको दिख रहा होगा ये सारी साउंड इफेक्ट्स हैं साउंड्स हैं जो एबिलटन देता है सो so, कोई भी साउंड को रैंडमली ले लेते हैं मैलेट्स को ले लेते हैं लेट्स सी तो बेसिकली ये जो आप डॉट एडी जी देख रहे हैं दिस इज एवल्टन डिवाइस ग्रुप और जो नीचे एडीवी एक्सटेंशन देख रहे हैं ये एविल्टन डिवाइस प्रीसेट के लिए स्टैंड करता है तो बेसिकली ये डॉट एडी जी एडीवी में क्या डिफरेंस है ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा मिडी ट्रैक में तो सबसे पहले एडी जी को एंड ड्रॉप करते हैं मिडी ट्रैक में ऑल राइट right, तो जैसे कि आप लोग नीचे देख सकते हैं पैरामीटर्स आ गए हैं हम इसको मॉड्यट कर सकते हैं प्लस ये जो राइट एंड साइड टॉप पे छोटा सा आपको कीबोर्ड का आइकन दिख रहा है अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ एक्टिवेट करता हूँ तो एक्चुअल में जो मेरा कीबोर्ड है अब वो मिडी की तरह एक्ट करेगा जिसका शॉर्टकट एम बी है तो जैसे की आप लोग देख सकते हैं इससे ऑप्टिव डाउन ऑप्टिव अप कर सकते हैं हम इसके बाद अगर मैं डॉट फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करूं सेम मिडी ट्रैक में तो लेट्स सी क्या होता है शॉइट तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नीचे काफी सारे पैरामीटर्स जो हैं वो खुल चुके हैं यहाँ पे मेरे को एडीएसआर भी दिख रहा है एनवेलप भी दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आई कैन से यहाँ पे आप आप सिंथेसिस कर कर सकते हैं साउंड साउंड का एक्चुअली को डिजाइन सकते हैं तो जितने लोगों को नहीं पता ये साउंड डिजाइन में क्या फर्क है और ये नॉर्मल इफेक्ट में क्या फर्क है जो आप ऑडियो पे डालते हैं तो आप लोग मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं मैंने बहुत टाइम पहले साउंड डिजाइन पे एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बेसिक्स ऑफ सिंथेसिस की बात की थी कैसे साउंड डिजाइन को अप्रोच किया जाता है तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो नीचे ड्र में आप लोग देख सकते हैं ये सारी किट्स हैं आपकी और अगेन यहाँ पे डॉट एडीजी एक्सटेंशन है सो so अगेन किसी भी एक चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं ऑल राइट right, तो जैसे कि आप लोग नीचे देख सकते हैं पूरी आपकी किट रेडी है ड्रम रैक में ऑलरेडी चीजें लोडेड है तो आप लोग इसको प्ले कर सकते हैं अपने सिस्टम के की कीबोर्ड की मदद से इसके बाद इनकेस अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक एमटी ड्रम रैक मिल जाए तो आप यहाँ से ड्रम रैक को डायरेक्टली भी इम्पोर्ट कर सकते हैं तो इससे आपका जो ड्रम रैक है वो एम हो चुका है एंड जैसे आप किसी भी एक चीज पे क्लिक करेंगे यहाँ से आप सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी पसंद के कि आप किस टाइप की साउंड यहाँ पे डालना चाहते हैं तो अगर आपको ये साउंड डालनी है सिंपली यू कैन एंड ड्रॉप और यहाँ पे ये साउंड आ चुकी है इस तरह से आप बाकी भी जगहों पे अपनी साउंड डाल सकते हैं सो so दैट आप लोग डायरेक्टली अपने मिडी से इसको प्ले कर पाए तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे है इंस्ट्रूमेंट क्या बात है कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके देखते हैं कोलिजन गिटार एंड प्लग ऑल राइट ओशन प्लग्स काफी सही है सो so इसको एंड ड्रॉप करके देखते हैं क्या बात है अगेन जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपको बेसिक पैरामीटर्स मिल गए हैं आप इसको एडिट कर सकते हैं प्ले कर सकते हैं अपनी पसंद से सो so, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े ऑडियो इफेक्ट्स में जाएं तो यहाँ पे सारे आपके प्लग हैं जैसे की ईक्यू एंड फिल्टर्स हो गए मॉड्यूलेटर्स हो गए पिच मॉड्यूलेशन हो गए इन सब चीजों के हम लोग सेपरेट लेक्चर्स में बात करने वाले हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे मिडी इफेक्ट्स हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आरपेजीएटर कॉर्ड तो अगेन ये सब चीजें हम लोग यूज करेंगे जब हम म्यूजिक प्रोडक्शन पे आएंगे जब हम कुछ ना कुछ म्यूजिक रिलेटेड काम करेंगे सॉफ्टवेयर में उसके बाद मैक्स फॉर लाइफ में बेसिकली आप देख सकते हैं जैसे कि आपकी एप्स में वो इन एप परचेजेस होती हैं वैसे ही एबलटेन के जो मैक्स फॉर लाइफ पैक्स हैं वो आप एबल्टन डॉट कॉम पे देख सकते हैं तो जो भी आप ऑडियो इफेक्ट इंस्ट्रूमेंट मिडी इफेक्ट्स खरीदते हैं वो इस लिस्ट में यहाँ पे शामिल हो जाएंगे उसके बाद प्लग है ये वाला जो प्लग का कॉलम है ये थर्ड पार्टी प्लग के लिए है जो भी आप लोग एबल्टन के अलावा बाहर के प्लगिन इंस्टॉल करते हैं ये उनके लिए है इसके बाद क्लिप्स में अगर हम जाए तो यहाँ पे आपको बहुत सारी क्लिप्स दिख जाएंगी डॉट ए फॉर्मेट की तो ये डॉट ए जो है ये है एबलटन लाइफ क्लिप्स तो कुछ क्लिप्स को के देखते हैं तो so, किसी भी एक चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं यहां पे। ऑल राइट right, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास मिडी पैटर्न रेडी हो चुका है मिडी पैटर्न की फॉर्म में आई है इस बार किट सो so इसको सुनने के लिए हमें कहीं ना कहीं वो इंस्ट्रूमेंट भी इसमें डालना पड़ेगा तो वील गो बैक टू द ड्रम्स और यहाँ पे कोई भी एक जो हमारी ड्रम किट है उसको हम लोग इस मिडी ट्रैक में डाल देंगे ताकि ये जो मिडी फाइल्स हैं, ये प्ले हो पाए चलो इस किट को डालते हैं एंड नाउ लेट्स लिसन टू दिस ऑल राइट right, अगर हमें इसकी साउंड चेंज करनी है तो कोई और किट डाल देते हैं क्या बात है जैसे कि आप लोगों ने देखा तो बेसिकली जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स ड्रम्स वाला जो कॉलम है यहाँ से आप वो पैचेस डालते हैं और अगर आपको कोई भी रेडीमेड लूप चाहिए कोई भी आपको सैम्पल चाहिए क्लिप चाहिए तो आप सीधा इस कॉलम में आएंगे और यहाँ से ड्रैगन ड्रॉप कर देंगे उसको तो यहाँ पे काफी सारी कॉर्ड्स भी है दैट यू कैन ट्राई आउट जैसे कि सी डिमिश सेवन फर्स्ट इन्वर्जन एंड सो ऑन सो अगर मैं इसको इम्पोर्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरी मिडी फाइल बन चुकी है क्लिक so पे मेरे को दिख गया है मेरे पियानो रोल में वो कॉर्ड कैसे बने हैं। सो so आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास सैंपल्स का एक कॉलम है जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे सैंपल्स हैं ए आई एफ वेव के फॉर्मेट में सो so इनको बेसिकली आप लोग ऑडियो ट्रैक्स में डाल सकते हैं बिकॉज ये सारी जो है ये ऑडियो फाइल्स हैं से फॉर एग्जाम्पल चलो इस साउंड को हम इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे ऑडियो ट्रैक में क्या बात है ऊपर डिलीट कर देते हैं अभी के लिए ये जो हमने डाला था एंड लेट्स लिसन टू इट सो ऐसे यहाँ पे इन्होंने काफी सारे सैम्पल्स दिए दैट यू कैन ट्राई आउट आई मीन बहुत सारी साउंड्स है बहुत सारी तरह की किक्स भी हैं आई डोंट थिंक मतलब इनिशियली अगर आप लोग नए हैं म्यूजिक प्रोडक्शन में नए हैं इस फील्ड में तो आपको कम से कम एक साल तक बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी आप इसको एक्सप्लोर करें है ना बहुत सारी अच्छी चीजें इनसे बना सकते हैं उसके बाद हमारे पास ग्रुप्स का एक कॉलम है यहाँ पे जैसे की आप लोग देख सकते हैं एक्सटेंशन चेंज हो चुका है डॉट एजीआर हो चुका है जो की सिंपली एबल्टन ग्रुप फॉर्मेट फाइल्स के लिए स्टैंड करता है तो इसको हम सुन के देखते हैं देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है क्या बात है तो जैसे कि आप लोगों ने गैसी कर लिया होगा जैसा कि इसका नाम था ग्रूव ये हमें एक ग्रूव देता है जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हैं और वहां पे आपको उसका पैटर्न बना बनाया मिल जाएगा सो लेट्स लिसन टू दिस वंस क्या बात है एंड इसके बाद इसको जोड़ दे वेरी नाइस तो बेसिकली एक ग्रुफ रेडी हो चुका है अब लेटर ऑन आप लोग देखेंगे बाकी पार्ट्स में हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल में इसको देखेंगे कि कैसे इसको फुल पोटेंशियल पे यूज कर सकते हैं कैसे पियानो रोल की मदद से इसके नोट्स को ऑल्टर कर सकते हैं एंड इवन यहाँ पे जैसे कि आप लोग नीचे देख सकते हैं एक चीज है जिसका नाम है ग्रुप पुल तो इस ग्रूफ पुल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है एविल्टन लाइफ में तो जैसे ही मैं किसी भी फाइल को ऊपर से नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास उसका बेस उसका क्वांटाइज उसकी टाइमिंग रैंडम वेलोसिटी काफी सारे कंट्रोल्स आ चुके हैं बिकॉज ये जो ग्रूफ पूल है ये फेमस ही इसी चीज के लिए थोड़ा सा स्विंग थोड़ी सी फील एड करने के लिए आपके बीट में इवन आप लोग जो बाहर की ऑडियो फाइल्स है उनको भी इसमें इम्पोर्ट कर सकते हैं उसकी टाइमिंग के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं सो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक काफी बड़ा है तो इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं बाद में प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे और ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं आपको करके दिखाऊंगा और उसके बाद फाइनली वी हैव टेम्पलेट जो कि एबल्टन लाइव हमें थोड़ी सी स्टॉक देता है पहले से एट ट्रैक रिकॉर्डिंग डिफॉल्ट सेट डेमो एंड स्केच पॉडकास्ट टेम्पलेट तो इसमें आप लोग अपनी भी टेम्पलेट सेव कर सकते हैं सिंपली आपको उसके लिए फाइल पे जाना है और नीचे जो सेव लाइफ सेट लिखा है इस पे क्लिक करना है तो आपकी जो टेम्पलेट है वो भी यहाँ पे आ जाएगी इसके बाद नीचे प्लेसेस है जिसके अंदर पैक्स मेंशन है तो ये जो पैक्स है अगेन ये जो आपका एबल्टन है जो चीजें प्रोवाइड करता है वो चीजें सारी मेंशन है यहाँ पे इसके अलावा आप और भी पैक्स परचेस कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिखा

सकते हैं अपने आप वो अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में मेंशन हो चुका है और इसको आप रीनेम कर सकते हैं से किक डे वन तो आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं एंड आपका जो प्रीसेट है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा उसके बाद करंट प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे आपकी सारी फाइल्स आ जाती हैं जिस भी आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसके और यहाँ पे आप और फोल्डर्स भी ऐड कर सकते हैं अपने सैम्पल पैक्स के लिए या आपने कोई भी आपको साउंड डालने इसके अंदर वो आप यहाँ पे फोल्डर बना के डाल सकते हैं सो so, ये थे बेसिक्स ब्राउजर विंडो से रिलेटेड अभी हमें इन सब पे बात करनी है डिटेल में इन सब का प्रैक्टिकल देखना है लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इन डेप्थ बताऊंगा ये सारे जो भी कंट्रोल्स है ये सारे जो भी आप बटन देख रहे हैं ट्रैक्स पे प्लस ये जो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल्स हैं जो भी ऑप्शंस गिवेन हैं सबसे पहले बार बार जो चीजें हैं मैं कोशिश करूंगा इनको कवर कर लू पहले पांच लेक्चर्स में उसके बाद ज्यादातर जो चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल होने वाली है सो so तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में